हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। कल हमने पढ़ा था असेसमेंट क्या है, असेसमेंट टूल क्या है, असेसमेंट टूल की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और फॉर्मल में कौन कौन से टूल हम यूज करते हैं, इनफॉर्मल में कौन कौन से टूल हम यूज करते हैं, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल। एक अच्छे टूल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी टूल अगर हम बनाते हैं तो किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, स्टैंडर्डाइज हो टेस्ट, इंटरेस्टिंग हो, इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमिकल यानी कि ना ज़्यादा महंगा और ना ज़्यादा सस्ता, अफोर्डेबल टेस्ट होना चाहिए, यूजेबिलिटी हो, उसके पास डिस्क्रिमिनेटिव पावर हो, डिफ़िकल्टी लेवल उसका मीडियम हो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ये सब क्वालिटी टेस्ट के अंदर होनी चाहिए। अब देखो एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? एक टेस्ट हम कह देते हैं कि वैलिड होना चाहिए, तो वैलिडिटी होती क्या है? वैलिडिटी होती है जिस उद्देश्य के लिए हमने कोई टूल बनाया है ना, अगर वो उस उद्देश्य को फुलफिल करता है तो हम कह देते हैं कि वो टेस्ट वैलिड है। ठीक है, तो ये होती है उसकी वैलिडिटी। अब देखो रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? जैसे हम किसी आदमी के बारे में बता देते हैं कि हाँ भाई वो इंसान रिलायबल है, हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उसी प्रकार टेस्ट की या टूल की भी वैलिडिटी रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी क्या होती है? जैसे कि कोई टेस्ट है, अगर वो डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट ओकेजन में सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है, सेम स्कोर प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो टेस्ट क्या है, रिलायबल है। जैसे मैंने दो ग्रुप बनाए, बच्चों के दो ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुप को अलग अलग समय पे वो टेस्ट दिया अप्लाई करने के लिए, और दोनों रिजल्ट को मैंने स्कोर किया, ठीक है, और दोनों टाइम पे उस रिजल्ट के सेम स्कोर आए, तो इसका मतलब क्या है, हमारा टेस्ट रिलायबल है। ये होती है रिलायबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है और उसको अटेम्प्ट करना भी आसान होता है, स्कोर करना भी आसान होता है, तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज। टेस्ट हमारा जो है स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है वो एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया होता है, कई टाइप के इसमें एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, तो अगर हमारा टेस्ट स्टैंडर्डाइज होगा तो हम उस पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, तो टेस्ट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। इसके बाद टेस्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, टेस्ट बोरिंग नहीं होना चाहिए, टेस्ट की लैंग्वेज सिंपल और इंटरेस्टिंग हो ताकि बच्चे रुचि लेकर उसको करें, अच्छे से उसको अटेम्प्ट करें। इसके बाद टेस्ट हमारा इकोनॉमिकल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यूजेबिलिटी, टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि हम उसे यूज कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन पावर। टेस्ट के पास डिस्क्रिमिनेशन पावर होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कोई टेस्ट लिया और उसको स्कोर किया, तो स्कोर के बाद मैं क्लास को, बच्चों को क्लासिफाई कर सकूं कि ये बच्चे श्रेष्ठ हैं, यानी कि ये बच्चे एक्सीलेंट हैं, ये बच्चे एवरेज हैं और ये बच्चे वीक हैं, कि एवरेज बच्चों को कितना पढ़ाना है और श्रेष्ठ को कितना पढ़ाना है, ये सब मैं उस टेस्ट के आधार पर क्लासिफाई कर सकूं। तो टेस्ट के पास क्या होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिव पावर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद डिफ़िकल्टी पावर। टेस्ट न तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो और न ज़्यादा ईजी हो, टेस्ट मीडियम लेवल का होना चाहिए। इसके बाद टेस्ट क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि टेस्ट कई टाइप की एबिलिटीज जो होती हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, तो कई टाइप की एबिलिटी एक ही टेस्ट में बच्चे की पता चल सके,
तो टेस्ट क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, बच्चे को सभी बच्चों को इक्वली अवसर प्रोवाइड कर सके, ऐसा टेस्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थी अच्छे आकलन उपकरण की विशेषताएं। ठीक है, क्या क्या थी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिकल, यूजेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, डिफिकल्टी, कॉम्प्रिहेंसिव, फेयरनेस। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये छोटा सा एक टॉपिक समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। थैंक यू।